हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपना कंप्यूटर टाइपिंग सीखने का डे 7 शुरू करेंगे, यानी हम लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले लेक्चर नंबर 1 से 6 में होम रो, अपर रो और डाउन रो की मुकम्मल प्रैक्टिस कर ली है। दोस्तों, होम रो और अपर रो से कुछ वर्ड्स भी दिए थे जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपने उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम डे 7 में होम रो से कुछ वर्ड, होम रो, अपर रो और डाउन रो, तीनों रो को मिलाकर कुछ वर्ड्स लिखेंगे जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंड स्पेस, स्मॉल स्पेस, चेस्ट स्पेस, वेरी स्पेस, हैन स्पेस, पेन स्पेस, टाइम स्पेस, अराउंड स्पेस, सिन स्पेस, नेट नेट स्पेस, राइट स्पेस, वुमेन स्पेस, मैन स्पेस, मोरल स्पेस। आगे लिखेंगे हम बर्ड स्पेस, मैन स्पेस, बोरो स्पेस, नैरो स्पेस, कैच स्पेस, वैन स्पेस, रैन स्पेस, इसके बाद स्कूल स्पेस। दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे हम बिरा स्पेस। तो दोस्तों, इसके बाद हम लिखेंगे सेल। दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस आप कम से कम 2 घंटे ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको जिसके जिससे आपने ये प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला स्टेप है आपका टाइप 5 लाइंस ऑफ ईच वर्ड। दोस्तों, आपने हर वर्ड की 5-5 लाइनें बनानी है, 5-5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों, इसके बाद आप ये करिएगा कि इन लफ्ज़ों को, इन वर्ड्स को हैंड से लेकर सेल तक आप इन्हें एक पैराग्राफ मानते हुए इसका आप कम से कम 10 सेट बनाइएगा जिससे आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। ये 3 रो हैं जिसकी हमने अभी तक प्रैक्टिस कर ली है। तो दोस्तों, इसकी आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। इन 3 रो को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोई किताब भी लीजिए, इंग्लिश की किताब लेकर उससे कुछ वर्ड्स ढूंढिए। अगर होम रो के ढूंढिए, उसके बाद अपर रो के, उसके बाद 3 रो के, फिर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।